गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो एक बहुत ही ज़रूरी न्यूज़, बहुत ही ज़रूरी खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज़ वन का प्री का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो रोल नंबर है अब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। वही आपके लिए मैंने सॉरी वही विंडो आपके लिए मैंने ओपन कर रखी है, देख लेते हैं क्या है। देखिए विंडो आपके सामने है, रिजल्ट ऑफ फेज़ वन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, ठीक है। अब पहला लिंक है, रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज टू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड बी जनरल, जनरल वाले के लिए, फिर DEPR, फिर DSIM। तो सभी सभी स्ट्रीम्स के लिए, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे रोल नंबर डिक्लेयर कर रखे हैं, आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी एक PDF ओपन होगी, उस PDF में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उनका रोल नंबर आएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उनका रोल नंबर आ जाएगा। अभी ओपन नहीं हो रही, मे बी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण हो सकता है, मे बी इशू। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF ओपन होगी उसमें आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और आप सभी को पता है 1 दिसंबर को एग्जाम है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ रिलीज नहीं की गई है, ना ही आपके मार्क्स रिलीज किए गए हैं, ना ही कट ऑफ रिलीज की गई है, ना ही मार्क्स रिलीज किए गए हैं, वो थोड़े दिनों में आ जाएंगे। देखिए उनके उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इंडिविजुअल मार्कशीट एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ ओनली फॉर जनरल फेज वन एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड इन इंटरैक्टिव मैनर ऑन द वेबसाइट विद इन 15 वर्किंग डेज, 15 दिनों के अंदर आ जाता है। वैसे लास्ट टाइम का आपको मैं बताऊं तो 3 से 4 दिनों के बाद आ गया था, लास्ट टाइम तो 3 से 4 दिनों में आ गया था, पर इन्होंने एक पॉइंट बताया कि 15 दिनों के अंदर आ जाएगा, हो सकता है 10 दिनों में आ जाए, 12 दिनों में आ जाए, 5 दिनों में आ जाए, 3 दिनों में, 4 दिनों में। तो लास्ट टाइम का मैं आपको बता देता हूँ, 3 से 4 दिनों के अंदर आपके जो मार्क्स थे, कैटेगरी वाइज जो मार्क्स थे प्लस कट ऑफ थी, वो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई थी। पर ये डिक्लेयर आपकी सिर्फ जनरल पोस्ट के लिए ही की जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए मैंने लिंक क्लिक किया था, लिंक पे क्या रहा है, वेब सर्वर रिसीव्ड एन इन वैलिड रिस्पॉन्स वाइल एक्टिंग एज ए गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर, मतलब अभी थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा लिंक डाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, वेट कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कीजिएगा, जरूर डिस्प्ले हो जाएगा। बता देता हूँ सिर्फ रोल नंबर डिस्प्ले होंगे, आप सभी को पता है 1 दिसंबर को एग्जाम है, इन्होंने यहाँ पर जो शेड्यूल है वो भी रिलीज कर दिया है, टाइमिंग क्या रहेगी, मॉर्निंग आफ्टरनून पेपर कौन से रहेंगे, सारी बातें यहाँ डिक्लेयर की गई हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है हम उनको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज टू एग्जाम। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ऑलरेडी 18 नवंबर हो चुकी है, 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। एडवाइस करूँगा रिवाइज करते रहिए, जो जो पढ़ा है, कुछ नए पढ़ने का अलग से ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब आज के सेशन में इतना ही, नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट इवनिंग।